गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 57 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम चैप्टर 3 के जो हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे वो पढ़ेंगे। यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ ट्राइंगल्स इन क्लास 7th। वी रिक्वायर्ड 3 मेजरमेंट ऑफ साइड्स और एंड एंगल्स टू ड्रॉ अ यूनिक ट्राइंगल। सिंस 3 मेजरमेंट वर इनफ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज वेदर 4 मेजरमेंट्स वुड बी सफिशियंट टू ड्रॉ अ यूनिक 4 साइड्स क्लोज्ड फिगर, नेमली अ क्वाड्रिलेटरल। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी हैव, इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल देन यू हैव टू डन दिस थिंग्स। वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको कोई क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। फर्स्ट, लाइक यू हैव वैन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, या ये हो। अदरवाइज वैन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, या फिर 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अदरवाइज वैन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। और द लास्ट इज वैन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। लेट अस टेक अप दिस कंस्ट्रक्ट वन बाय वन। हम ये 5 आपके 8th स्टैंडर्ड में 5 कंस्ट्रक्शंस है, हमें स्टेप बाय स्टेप 4 मेन 4 है इसमें से, हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है आपका, और टोटल आपने इसको 5, आपने देखा होगा 5 मेजरमेंट चाहिए, या तो 4 साइड 1 डायगोनल, या 3 साइड 2 डायगोनल, या फिर कुछ एंगल्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, वेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ क्वाड्रिलेटरल आर डायगोनल आर गिवन। जब आपको 4 साइड दी हुई और डायगोनल दिया हुआ हो तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हमको एक पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर हो, पी क्यू की साइड 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, आर एस इज 5 सेंटीमीटर एंड पी एस इज 5.5 एंड द वन ऑफ द डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच विद विल हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग द क्वाड्रिलेटरल। वी ड्रॉ दिस फर्स्ट एंड मार्क द मेजरमेंट। हम एक रफ स्केच बना देते हैं जिससे हमको आसानी हो जाएगी। देन फर्स्ट ड्रॉ अ डायगोनल पी आर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल। ड्रॉ फर्स्ट वन ऑफ द डायगोनल पी आर विद 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल। एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर विद द गिवन मेजर्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर, क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर। From the rough sketch, it is easy to see that triangle PQR can be constructed using triple S SSS construction condition. Draw triangle PQR. Now we have to locate the fourth point S. Then first would be on the side of to Q with reference to PR. For that we have to 2 measurements. S is 5.5 centimeter. Here is S 5.5 centimeter away from P and 5 centimeter away from R. Then take a rounder in your hand and as a center P draw a arc here of 5.5 centimeter, and now center at R and draw an arc to meet S of this arc of 5 centimeter. Now S is 5 centimeter away from R, so with R as a center draw an arc of radius 5 cm. The point S is somewhere on this arc also. This is the point S where two arcs meet. This is the point, and now join the PS and RS. Now S should be on the both arcs drawn, so it is the point of intersection of the two arcs. Mark S as an incomplete PQRS triangle, sorry quadrilateral. Now PQR is the required क्वाड्रिलेटरल। जैसा आप हमको क्वेश्चन में दिया था वैसा ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, थैंक यू।